ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, यानी एक छोटा बच्चा नहीं नहा रहा था, वो किनारे पर बैठा था। तो शंकर पार्वती ऊपर से जा रहे थे विमान में बैठ करके, तो पार्वती की नजर गई, सभी बच्चे नहा रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, ये बच्चा क्यों नहीं नहा रहे? तो शंकर जी ने कहा, छोड़ो ना, तुमको क्या लेना देना, नहीं बताओ क्यों नहीं नहा रहे। पार्वती कहती है, तो शंकर जी ने कहा, इसको हाथ नहीं तैरेगा कैसा? कहते, आपने हाथ क्यों नहीं दिया? हाथ तो दोनों, तो मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी। वो जिद्दी थी। शंकर जी ने वरदान दिया, उस बच्चे को हाथ आए, तैरने के लिए गया। वो अंदर जाकर के क्या करता है, जो बच्चे तैरे तो उनको डुबाना शुरू किया। दो तीन दिन बच्चे मर भी गए, बाकी घबरा करके किनारे पर गए। दोबारा जब शंकर पार्वती जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, सारे बच्चे अभी कहाँ हैं, किनारे पर हैं, वो अकेला आराम से नहा रहे। तो पार्वती ने कहा, ये बच्चे क्या ऐसे रुड़ गए? तुमको बोला ना, सृष्टि चक्कर में नहीं जाऊं। इसी बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत बच्चों को डुबाया था, इसीलिए उसको हाथ नहीं मिले थे। अब हाथ दिया तो वही काम करा जो पिछले जन्म में करता था। इसलिए कोई लूला बना, कोई आंधा बना, कोई लंगड़ा बना, ये सब कर्मों से। इसलिए कर्म गति के, जिसके कर्म अच्छे हैं, ये अमराज से डरने की भी जरूरत नहीं। आज लोगों को डर है, भय है। क्यों डर भय है? क्योंकि कर्म गलत है। जिसके कर्म अच्छे हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ना मौत से डरेगा, ना कोई वायरस से डरेगा, ना कुछ से डरेगा। और कुछ भी होता है, हमारे साथ में हमारे श्रेष्ठ कर्म साथ में जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें अच्छे कर्म करने की